انت الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وتلا بالسحور ميدان ربيك والصلاه والسلام وتحيه الاكرام على جد الاثنين سيدي شباب اهل الجنه ابي اللقاص محمد जिसका एक और भी लकब है सुल्तान अरब वल अजम
उस सुल्तान की बारगाह में हम आए हैं। बारह बारह दुनिया में जहां जहां जाता हूं, अक्सर ममालिक में बाहर जाना रहता है, हर जगह यही मेरा जुमला इस जुमले को दोहराना चाहता हूं इस जगह पर कि जब हम मासूम की बारगाह में आए हैं, इंसाफ से बताइएगा, हम और आप जब यहां से पलट कर जाएंगे या कहीं जाते हैं किसी के घर या किसी जगह पहुंचते हैं, तो वहां हम कुछ ना कुछ हदिया और तोहफा लेकर जाते हैं। जब किसी के घर मेहमान होते हैं, किसी के घर हमारी दावत होती है या किसी के घर हम बुलाए जाते हैं, तो वहां कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर जाते हैं। यहां इनकी बारगाह में हम आए क्या लेके आए, इनके लिए लाया आपने से कोई, क्या लाए मन के बताइए, क्या लेके आए, कौन सा हदिया लेके आए नाता रजा के लिए, जरा मैं भी तो देखूंगा कौन सा हदिया है जो मौला रजा को पसंद है और आप लेकर आ गए हैं नाता से। क्या लेके आए हैं मासूम की बारगाह में, करबला जाते हैं, नजर जाते हैं, काजमैन जाते हैं, फकत हम कहते मौला दीन दीन दीन। यहां तक कि बहुत से हमारे यहाँ ऐसे हजरात है तो रोजे आशूरा भी हुसैन की गर्दन पर खंजर चल रहा है, आका से कहते हमें औलाद दे दीजिए, हमें माल दे दीजिए, हमारी जिंदगी बड़ी करीब है, ये उस वक्त भी नहीं ठुकराते, ये उस वक्त भी नहीं ठुकराते, उस वक्त भी मांग लिया जाता है, ये अदा कर देते हैं। इनायत इनके घर की, सहावत इनके घर की, ये कभी रद्द नहीं करते किसी भी हाल में कि आए मौला के पास, क्या लाए मौला के पास, क्या मौला के लिए लेके आए, कुछ नहीं, खाली हाथ हाथ झुलाते हुए लोग चले आए, खाली हाथ कुछ नहीं ला सकते। क्या मौला हमसे कुछ मांग रहे हैं, क्या आका हमसे कोई हदिया मांग रहे हैं, तोहफा मांग रहे हैं, तुम हमारे आए हो हमारे लिए क्यों नहीं कुछ लेकर आए, क्या मौला नाराज हो जाएंगे माजल्ला कि हम उनके लिए कुछ नहीं लेकर आए, नहीं मौला हमसे कुछ नहीं चाहे, एक चीज का है चाहे, फकत एक चीज चाहे मौला, जो हमसे चाहते हैं वो ये कि जैसा कि आपने हदीस आका की सुनी होगी शहर नेशापुर में, जिस हदीस को हदीस सिलसिलतुज़्ज़हा कहा जाता है, कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्मी फमन दखला हिस्मी अमिना मिन अबाबी बेशर्तहा, आखिरी फिक्र जिसकी तवज्जो दिला, बेशर्तहा व शुरूतहा व अना मिन शुरूतहा। मौला फरमा रहे हैं, आका ने फरमाया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसा किला है, एक ऐसा डोम है कि जिस किले में जो आया उसने निजात पा ली, जो पहुंचा या गए मौला रजा के पास, जो दाखिल हो गया उसको निजात मिल गई, जो पहुंच गया है वो नाजी हो गया है। कलमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखला हिस्नी अमिना मिन अबाबी, मिल गया साहब से अपने निजात, बच गए हम, मगर कब आका हमसे क्या चाह रहे हैं, मौला हमसे हदिया चाह रहे हैं, नहीं मौला हमसे तोहफा चाह रहे, नहीं, बेशर्तहा व शुरूतहा व अना मिन शुरूतहा। मौला फरमाते हैं निजात जरूर है, हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, शर्त यही है कि हम अहले बैत की विलायत पर वाकई लग जाए। एक सलावत है मोहम्मद व आल मोहम्मद, एक इससे बेहतर सलावत है मोहम्मद व आल मोहम्मद। बारगाह इमाम रऊफ में हम लोग आए, शुक्र है, एहसान है, करम है करोड़ों उसका, और जिस वक्त हम दाखिल होते हैं, ये औलाद है उसी सहरा की, अब उन्हें अमल नहीं है हमारे लिए, यानी इनको देखकर वो शहजादी हमें आंखों के सामने आ जाती है, जितनी औलादें कहते हैं औलादों को देखकर उनके माँ बाप को आदमी पहचान सकता है, ये कोई नई गुजरी बात नहीं, हमारी औलादें अगर सड़कों पर खयाबानों पर है लोग कह रहे थे फला साहब की औलाद है, दो तरह से लोग कहते हैं ये फला साहब की औलाद है, एक और तरीका यही कह जाती फला साहब की औलाद है, छठे इमाम की हदीस है, मौला फरमाते हैं हमारे लिए बाइसे जीनत बनो न बाइसे रुस्वाई और नेमत बनो, अगर हम औलाद हैं, अगर इनके मानने वाले हैं, शहजादे कौन है इनके रास्ते पर चलने वाले हैं, उनके तरबियत करता है, तो उनके नाम को हम उजागर और रोशन करें, कि जहां जिस जगह हम गुजरे हमारी माए और पहले हमारे भाई हर कोई
यही कहेगी ये दीन हक्का पर चलने वाले हैं, ये अली और आले अली को मानने वाले हैं, ये शहजादे कौरैन के रास्ते पे चलने वाले और चलने वाली हैं। यानी हमारे लिए बाकायदा हमको देखकर एक मैसेज दिया जाए, एक पैगाम दिया जाए हमको देखकर। शहजादी ने क्या फरमाया, शहजादी फरमाती है बहुत प्यारी हदीस है जो शहजादी ने फरमाया है कि सिलतुल अरहाम मिसनातुन फिल उम्र। शहजादी फरमाती है कि सिले रहम अंजाम देना ये इंसान की उम्र को बढ़ाता है। ये शहजादी का फरमान है, सैयद तो आलम का फरमान है कि सिले रहम अंजाम देना इंसान की उम्र को तुलारी करता है। आज हमारी उम्र कोता होती जा रही है, उम्र आज हमारी कम हो रही है। शाम को देखा सुबह वो शख्स नहीं, उसके लिए मतलब फातिहा पढ़ा जा रहा है, सुबह को देखा शाम को देखा फोटो लगा हुआ है। क्यों, इसकी वजह क्या है, इसकी चंद वजूहात है जिसकी बिना पर हमारी उम्र कम हो रही है। इस वक्त खानदानों में दूरियां बढ़ती चली जा रही है, खून में सफेदी आती जा रही है, भाई बहन को देखना गवारा नहीं कर रहा है, बहन भाई को देखना गवारा नहीं कर रही, एक खानदान वाले दूसरे खानदान को देखना गवारा नहीं कर रहे, आयजाकारी दूसरे आयजाकारी को देखना गवारा नहीं कर रहे। आज दुनिया की आलम होते एक बहुत बड़ी बीमारी जो चल गई है उसे कहते हैं हसद, बहुत बड़ी बीमारी है हसद और कीना और बोस। यह ऐसी बीमारी है कि जिसका कोई इलाज नहीं, उसके मुआलिज हम खुद हैं, उसके डॉक्टर हम खुद हैं, अगर हम चाहेंगे तो उसका इलाज कर लेते हैं, वरना कोई इलाज नहीं। बड़ी मुसीबत है, इंसान हसद का मात्रा अजीब इंसान में पड़ गया है कि एक दूसरे को देखना गवारा नहीं कर सकता, खा रहा है कि खा रहा है, पहन रहा है क्योंकि पहन रहा है, अच्छे से जिंदगी गुजार रहा है क्यों गुजार रहा है। अजीब माहौल बन चुका है, अजीब माहौल बन चुका है, घर उनका बन रहा है दिल हमारा बैठा जा रहा है, गाड़ी में वो जा रहे हैं पंचायत में जा रहे हैं, उधर वो बांटने जा रहे हैं हम दफन में जा रहे हैं, उनकी जिंदगी सुधर रहे हम बीमार में जा रहे हैं। भाई अल्लाह से दुआ करो, वही अल्लाह वही परवरदिगार जिसने उसको दिया है वही हमको दे सकता है, वही खुदा जिसने उसको चार रोटी दी उसे तो अल्लाह एक टुकड़ा ही दे दे मुझे, वही खुदा जिसने उसको एक बिल्डिंग दे दे परवरदिगार एक झोपड़ी ही दे दे मुझे, वही अल्लाह जिसने उसको चार पहिए दे अल्लाह एक रोटी एक साइकिल ही दे दे मुझे। मांगे तो सही, मांगे तो सही, कहते नियामत कब बढ़ती है जब शुक्राना बढ़ता है, और नियामत कम होती है तब जिस वक्त कुफ्रान नियामत बढ़ते हैं। अगर दूसरे को देखकर हम खुश होंगे, शहजादी का फरमान है कि अगर अपनी उम्रों को बढ़ाना है जिंदगी को बढ़ाना है तो उसके लिए क्या सिले अरहाम बजा रहा है, सिले अरहाम बढ़ता जाएगा उम्र बढ़ती जाएगी, ये फरमान शहजादी का है। हम देख रहे हैं आज हमारी सारी चीजें हमसे छिनती चली जा रही, बगावत करती चली जा रही, हमारी औलाद वो भी हमसे बगावत कर रही है, हमारी शरीक हयात वो भी हमसे बगावत कर रही है, हमारा माल वो भी हमसे बगावत कर रहा है, सब कुछ है कुछ नहीं, हर चीज हमारे पास है लेकिन कुछ नहीं, सब होते हुए भी हम बेचारे हैं, सब होते हुए भी हम गरीब हैं, सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं, इल्लत क्या है, वजह क्या है, कभी उसको तलाश किया कि क्यों ऐसी वजह है, क्या वजह है कि जो सारी चीजें हमसे दूर होती चली जा रही हैं, हमारा जिस्म हमारा होता हुआ फिर भी हमारा नहीं, वो कहें कैसे आज देख लें कितने बीमारिस्तान में हॉस्पिटल में पड़े हैं, क्यों कहते अल्लाह ने जो तुम्हें जो नियामतें दी हैं अगर उन नियामतों का अगर तुम शुक्राना अदा करोगे, अगर उन नियामतों को जो परवरदिगार ने तुमको दिया उसको एहसास करो, उसको शुमार करो, उसका शुक्र अदा करो। देखो अल्लाह कैसे बढ़ाता चला जाए, अगर एक बड़ा अपने से छोटे को देखेगा तब तो जिंदगी बहाल हो जाएगी। अमीर कायनात की जिंदगी देख लो, जो दीन और दुनिया का मालिक हो लेकिन बोरिया नशी है, कहते हैं पेट भरे को ना देखो कि उसे देखोगे कहोगे सब पेट भरे हुए हैं, अपने से बात भूखे को देखो तो समझ में आएगा कुछ लोग भूखे हैं। हमारे पास अगर सब कुछ है तो हम कहेंगे सबके पास सब कुछ है, नहीं, अगर हम अपने पास हम ये देखें कि हमारे पास है सब कुछ लेकिन दूसरे के पास कुछ नहीं तब तो सब कुछ हो जाएगा। हम सही और सालिम हैं, अल्लाह ने हमें ये नियामत की है, ये जिस्म हमें दिया है,
सब कुछ हमें दिया, लेकिन अगर उसकी तरफ फिक्र कर ले जो आज हमारी दुआओं का मोहताज सब सही हो जाएगा। जरा सी दिक्कत की जरूरत, जरा सी फिक्र की जरूरत है। परवरदिगार ने नियामतें दी हैं हमें और आप सबको दी हैं, हर किसी को सब कुछ। दो आंखें आपको दी, वही मुझको दी, वही दो आंखें काफिर को दी, वही मुशरिक को दी, वही अली के चाहने वाले को दी, वही उनके दुश्मन को भी दी। अल्लाह ने अपनी अदालत में कहीं पर भी सजा बराबर कभी नहीं छोड़ी। दो हाथ जो हमें मिले वही आपको मिले, दो पैर जो उन्हें मिले वही हमें मिले, वो धड़कता हुआ दिल जो अल्लाह ने हमें दिया वही आपको दिया। ये एक छटान की जबान खिचल दुनिया बना दे और आखरत खराब कर डाले, ये याद रखिए हमें हमको भी दी है। कि जिसके लिए इमाम रज़ा इरशाद फरमाते हैं कि ए हफीज लिसान का तुइज्जो, ए हफीज लिसान का तुइज्जो, अगर इज्जत चाहते हो, बुजुर्गी चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, इसकी हिफाजत करो, अपनी जबान की हिफाजत करो, जबान की हिफाजत करो, वह सब कुछ तुम्हें अल्लाह दे देगा। शहजादी ने क्या फरमाया, इंसान की उम्रें कम हो रही हैं। क्यों कम हो रही हैं? क्योंकि वो सिले अरहाम बजा नहीं रहा। जरूरी नहीं कि हम किसी के घर चले जाकर माल और दौलत ही दे दें, आज खुद ही को नहीं पूरा पड़ रहा है तो आदमी दूसरे क्या ले जाकर देगा है? आज खुद ही को नहीं इंसान को पूरा पड़ रहा है दूसरे क्या देगा, लेकिन कम से कम ये एक जबान, ये जो अल्लाह ने छोटी सी जबान दी है, इससे तो इंसान एक दूसरे की खैर और आफियत पता कर सकता है, इससे तो इंसान सलाम अलैकुम कर सकता है। आज हम ज़ियारतों पे आए हुए हैं, मासूम की बारगाह में पहुंचे हुए हैं, इन्होंने बुलाया चले आए हैं, लेकिन एक गुजारिश है आपसे कि हम ज़ियारतों पर भी आते हैं, इन जगहों पर भी आते हैं, जाने के बाद और आने के बाद दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ जो माए हैं और यहाँ से जो पलट के जाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। अब जो आए थे कल जो हम जाएंगे उसमें फर्क होना चाहिए। कल जो अपने वतन में थे आज यहां पे जो हैं, कल जो रहेंगे उसमें फर्क होना चाहिए। क्योंकि यहां की जिंदगी इस वक्त परिश्रम बैठी हुई है, जन्नत में बैठकर जन्नत क्या मांगी जाए, क्या मांगी जाए जन्नत में बैठकर जन्नत। अरे ये तो दरबार ऐसा है, हर किसी से पूछूं, आपसे पूछूं, जिस वक्त दरवाजे के अंदर आप कदम रखते हैं, दुनिया का ठुकरा है, मैं इंसान हूं, दुनिया का दर्द मंद इंसान हूं, दुनिया का परेशान इंसान हूं, जैसे ही दरवाजे के अंदर पैर रखता सबको भूल जाता मौला से मांगना क्या था, क्या मांगना था इसे, सब भूल जाता है, खाली यही रहते हैं उसके अलावा कुछ नहीं रहता है। जब ये मिल गए तो हमें और क्या चाहिए, जब इनकी नगरी मिल जाए तो हमें और क्या चाहिए। मरने के बाद पता नहीं जन्नत देखना मिले ना मिले, जिंदगी में तो कम से कम आठवीं जन्नत देखना मिल ही गई है। सलावत दे मोहम्मद अली शहजादी फरमाती है सिले अरहाम बचाओ, इससे तुम्हारी जिंदगियां बढ़ेंगी। आज अगर एक दूसरे के हुकूक अदा किए जाए, अगर वालदैन का अदब इहतराम किया जाए, सबसे बड़े पाए से कोकर कुंडाली होने की जो सबसे पहली चीज है वो वालदैन की इताअत और फरमा बरदारी है। कि माँ बाप की अगर इताअत की जाए, फरमा बरदारी की जाए, ये इंसान की उम्र को तुलाली करती है। जिसके लिए शहजादी ने एक हदीस भी शहजादी से फरमाती है कि बिर्रुल वालिदैन वकायत मिन सहबी। शहजादी फरमा रही है कि वालदैन के साथ नेकी करना, एहसान करना, यह अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए ढाल है। उसके गजब अल्लाह की तरफ से जो गजब आता है, वालदैन की इताअत पर यह तुम्हारे लिए ढाल है। यह तुम्हारी उम्र को जो कोताह हो रही है, जो कम हो रही है, इन उम्रों की पढ़ाएंगे। एक दूसरे से अहवाल कुर्सी, एक दूसरे से सिले रहम बजा लाना, फकत अहवाल कुर्सी का देना वही किफायत कर जाएगा। ज़ियारत के लिए सनद, यहां से पलट के जाना, जो इंसान में जो सर बराबर अगर चेंजिंग आ गई, तब्दीली आ गई, इसका मतलब कि वो कामयाब हो गया। यहां से जाने के बाद अगर उसमें सर बराबर भी तब्दीली आ गई, इसका मतलब कि वो कामयाब हो गया। उसकी सबसे पहली दलील है कि यहां जो कल थे वो ना रहे, जैसा कि हदीस का फिक्र है कि माजी मा मजा ला मजा ले आ जाने, जो कल गुजर गया छोड़ो,
कल जो हम उनसे नहीं मिलते थे, उनसे बातें नहीं हुआ करती थी, हमें सलाम नहीं करते थे, वो कल का विश्व सिक्वा छोड़ो, वो बिला छोड़ो, वो कल था, वो माजी था, आज हाल है, कल मुस्तकबिल आने वाला है। यहां से जाने के बाद साबित कर दो कि मौला के जायर और जायरा पढ़ने हो। यहां से जाने के बाद कहते हैं कि हदिया लेना मुस्तहब है, इमाम रजा की ज्यारत किया करें ज्यादा, और बाजार रजा की भी ज्यारत कर लिया करें, मुश्किल नहीं। दोनों चीजें पहला यहां से दोनों जरूरी है, इमाम रजा भी और बाजार इमाम रजा, वो हदिया वो तोहफा यहां से ले जाए। अब जब किसी के लिए आप तोहफा लेकर जाए, वो जो दिल आपसे टूटा हुआ है, कितना ही बदतर होगा, वो लात ठुकराएगा, लेकिन इमाम के तोहफे को नहीं ठुकराएगा, उसे कहे के दो ये मौला के यहां से लेके आया, तुम जानो तुम्हारी मर्जी जाने, ये मौला ने भिजवाया है, मैं लेके आया। ऐसे दिल ही नहीं, ऐसे दिल एक हो, ऐसे हमारे दिल जो इस वक्त रूठे हुए हैं, जो अलग हो चुके हैं, इस तरह से ये दिन एक होंगे, कम से कम एक सलाम ही उनको जाकर कर दे। चंद मरतबा कहने का जी बेदायरत इंसान में तो इससे मुंह फेरा हुए रोज मुझे सलाम मजबूर होकर जवाब देने पर मजबूर हो जाएगा। यहां से जाने के बाद साबित करो कि हम जायर और जायरा बन के आए, मौला की बारगाह में आकर पाक हो गए, बख्श किए गए। कहते यहाँ हर वसीले काम आते हैं, एक वसीला ऐसा है जिसको मासूम बहुत पसंद करते हैं, वाकया अदला नजफी यजदी ने अपनी किताब मनाकिब आले मोहम्मद में नकल किया, बहुत प्यारा वाकया है। इसी पर मैं मजलिस को खत्म करता हूँ, आज की गुफ्तगू को यहीं पर समेट दूंगा, क्योंकि इतनी गुंजाइश नहीं है। नकल किया जाता है दो भाई, आपकी ज्यादा प्रिया है आपका की, दो भाई इमाम रज़ा के साथ सलाम की ज्यारत के लिए निकले। एक भाई बहुत नेक, दूसरा भाई गुनाहों का पैकर, जो गुनाह कहते जितने गुनाह हैं उसमें से कोई गुनाह उसने नहीं छोड़ा था, उसने पीएचडी की हुई था, हर गुनाह उस भाई ने किया। दिल में मोहब्बत पैदा हुई आका रजा की, भाई ज्यारत को जा रहा था, कहता चल तू भी चल के एक मरतबा आका रजा की ज्यारत कर ले। कहते एक मरतबा मौला रजा उसका नाम सुना, कहता चल ठीक, लेकिन मैं और इमाम रजा, मैं गुनहगार इंसान और मौला रजा रहे तुम जैसे पाक लोगों की जगह है। कहता चल चल के ज्यारत कर ले मौला की, शायद हो सकता है कुछ करम हो जाए। कहते गुनाहों में मुलव्विस, एक भाई शिकस्ता दिल से अपने कदम को उठा रहा है, ये अपना मौज मस्ती में कदमों को उठाए हुए चलता चला रहा है। कहते मशहद के नजदीक